अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो हमारे चैनल की। तो इसमें आपका वेलकम है। यहाँ पर नाश्ता हो रहा है जो कि आजकल मेरा फेवरेट नाश्ता है, टाकोस का, जिसको मैं देसी टाकोस कह रही हूँ। इसके अंदर जी आमलेट डाला है मैंने, और वो आमलेट मैंने बनाया है जिसका मेन इन्ग्रीडियंट जो है वो ग्रीन चिलीज़ हैं। ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ हैं, चाहिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ हैं मैंने इसके अंदर डाले। नमक, जो ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ये ग्रीन चिलीज और चीज़, और इसको जो है ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका इसकी ये सीक्रेट है। और फिर जो है वो इसके अंदर कोकम्बर, इसके अंदर टोमेटोज आप डाल के इसको सर्व करें। ये जो है वो मिल जाते हैं ये सुपरमार्केट से, ये जो ब्रोट है ये सुपरमार्केट की है, मैंने इसको जस्ट बटर में सेंक लिया है थोड़ा। और जी ये हो गया हमारा नाश्ता। ये वीकेंड की शुरुआत है जो कि हम लोगों के इस नाश्ते के बाद हुई है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था बाहर, एक जगह हम इन्वाइटेड थे और वो काफ़ी दूर है इधर से ना, मतलब घंटे की ड्राइव है। दखाओ उस एरिए का नाम है, तो हम जिस एरिए में रहते हैं उसका नाम जोलिंग है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ दखाओ, मेरे साथ देखें आप कि वो कैसा है। और ये देखें उमर का, ये उमर क्यों सैड है, उमर क्यों रो रहा है ज़्यादा। कौन बोला है मेरा बेटा? किसको छोड़ना चाह रहे थे? मामा को। ओ, ओ, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं छोड़ के जा रहे ना, लेकिन ले लिए। आई लव यू। अच्छा, ये बच्चे जो है ना वो पहले रेडी हो गए थे और लेट भी हो रहा था, मैं रेडी हो रही थी अभी, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ, इनको ले जाता हूँ, इन दोनों को लेके चले गए। अच्छा, मामा नहीं बैठी ना इन बच्चों ने नोट किया कि मामा किधर हैं, तो छोटे को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन ये उमर, उसको लगा कि मामा को हम छोड़ गए हैं, कि मामा लेट कर रही थी या मामा को लेट हो गया देर तैयार होने में। तो वो उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। बाबा को कहते हैं टर्न करें गाड़ी, वापस चलें, वो करवाना है, मामा को लेके आएँ, मामा को लेके आएँ। तो बाबा भी इसको थोड़ी देर तंग करते रहे। तो मेरे पास जब ये पहुंचे तो ये रो रो के इसका जो है वो बुरा हाल था। जब गाड़ी वापस टर्न हुई घर आने के लिए पेट्रोल डलवा के, तो फिर ये बहुत खुश हुआ और इसको समझ आई कि अच्छा इसके साथ जो है वो बाबा ऐसे कर रहे थे, मजाक करते। लेकिन ये जब बड़ा होगा तो ये वीडियो देखेगा तो ये एक मेमोरी है मेरे बेटे की, मेरा बेटा कितना प्यारा, मामा को कितना प्यार करता है। आई लव यू। अच्छा जी, ये देखें आप यहाँ पर माशाल्लाह से खूबसूरत सीनरी हमारे साथ इंजॉय करें। और देखें दखाओ काफ़ी दूर था हमारी हमारे एरिया से, तो ये हम लोगों को 1 आवर लगा उस जगह पे पहुँचने में। लेकिन और ये ज़रा डिफरेंट सा एरिया है जिसकी मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा चलें ज़रा इसके रास्ते को भी हम कवर करते जाते हैं। और धूप निकली भी है, बड़ा अच्छा मौसम है, मज़े का हुआ हुआ है। इस तरह का मौसम यहाँ पर जर्मनी में होना ना एक किस्म की वो ही होती है, नेमत ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना क्लाउडी या ठंड, अगर तो स्नो वाली है, तो ये हम जब धूप निकलती है ना तो हम लोगों को भी बहुत मज़े का लगता है। पहले हम लोगों को दूसरा मौसम अच्छा लगता था, लेकिन अब शायद हम यहाँ रहते हुए ना हमें पता लग गया कदर आ गई है धूप की तो ऐसा सनी डे हो तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी हम रास्ता एंजॉय करते करते जा रहे हैं। ये स्कूटीज़ भी आती हैं, ये लोग सारे ही बाहर निकल आते हैं। इस तरह का मौसम होना तो आप देखेंगे सारे बाहर होंगे, इनको तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये वेदर ना। और जब वेदर ऐसा नहीं हो सही तो फिर ये घरों में होते हैं। ये जी हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच हिना फॉर इनवाइटिंग अस। और खाना तो बहुत मज़े का था, खाना इतना ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन ये केक्स ये भी इन्होंने ख़ुद बेक किए थे माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी थे और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत इन्जॉय किया। जी इस एरिए का प्राइमरी स्कूल, ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे, ये जो और इससे आगे स्पोर्ट्स हॉल है, स्पोर्ट्स का हॉल है जो स्पोर्ट्स हाले बोलते हैं, तो वहाँ पे कराटो के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, आप भी सीखेंगे कराटे? आप भी सीखेंगे? 4:45 शुरू होता है, 4:45 से 5:45 तक। ग्रोंट ओंट मिथल शूले प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, ये है वो एंट्रेंस है उसकी, मिथल शूले की, ये है बिल्डिंग
और वो आगे लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, और साथ ही स्पोर्ट्स हॉल है वो जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये स्पोर्ट्स हॉल है, इधर जाएंगे। ये है कहते लाइब्रेरी, मुख्य राय बोलते हैं। पीछे स्कूल मैंने दिखाया ना, उमर भी अगले साल इंशाल्लाह इधर यहीं पे जाया करेगा क्योंकि यही इस एरिया का स्कूल है। यहाँ पर ना मैं इसका डर इसको बता रही थी कि रोड पे नहीं जाते, लेकिन ये मुसलसल इधर ही आने का, फिर मैंने इसको समझाया कि ऐसे गाड़ी आएगी, वो देखें वो ट्रक है, तो आप जितना मना करेंगे ना बच्चे उस चीज़ की तरफ उतनी ज़्यादा जाते हैं। तो जब मैंने उसको उस चीज़ की तरफ जाने दिया, मैंने देखा रोड भी खाली है, वैसे भी ये बिल्कुल किंडरगार्टन वाली रोड है तो यहाँ पर स्लो ही होती है, ट्रैफिक बहुत कम होती है, तो मैंने कहा कि चले ज़रा यहाँ पे इसको लाइफ का लेसन पहला देते हैं कि बेटा यहाँ पे रोड है, ये डेंजरस है, आगे गाड़ी आ रही है, इसको सिखाया। फिर वो गाड़ी को देख के ऐसे ऐसे कर रहा कि भाई गाड़ी है बहुत डेंजरस है। अच्छा, तो यहाँ पर ना घर में हमने दावत रखी थी पाकिस्तानी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हम जिन्होंने मुझे केक भी दिया था पिछली वीडियो मैंने आपको जो है वो शेयर किया था कि वो केक पाकिस्तानी जो फ्रेंड है उधर हमारे ज़ोलिंग में ही रहती हैं, उनको हमने जो है वो खाने की दावत पे बुलाया था, और मैंने बनाया था दम पुख्त, जिस और ये साथ मैंने ये बनाई थी हैदराबादी दम बिरयानी जो मैंने पहले भी बनाई है, हेलोवीन वाले दिन भी बनाई थी, तो बहुत मज़े की बनी थी, तो मैंने कहा दोबारा बनाती हूँ ताकि हाथ भी दर्द बना, पहली बार बनाई थी अब ये सेकंड टाइम बनाई है, तो वो मैंने बनाई। साथ जी फर्स्ट टाइम मैंने बनाए रोहनी नान जो मैंने बहुत मज़े के बने, मैंने कुन फूड्स की रेसिपी ट्राई की थी और दम पुख्त के साथ के मैंने रोहनी नान बनाए थे, और दम पुख्त जो है मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं कोई उसका क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन बहुत मज़े का बना था, और हैदराबादी दम बिरयानी भी ये दम से पहले की पिक्चर्स हैं क्योंकि उसके बाद जब पता है आपको मेहमान आए उसके बाद फिर कोई मोबाइल पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो जी ये था एक छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा, होप्स अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बिमानिल्लाह, बाय बाय।